हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को AB केबल के बारे में बताऊंगा, जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो अभी यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो AB केबल का यूज़ हो रहा है। तो हम लोग इस AB केबल के बारे में जानेंगे कि AB केबल का कहाँ यूज़ करते हैं, इसका साइज़ कितना होता है और इसका डाया कितना होता है, कौन सा इंसुलेशन यूज़ होता है, ये सब सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, आपके घर के पास भी जितने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे या आपके मोहल्ले के आसपास होंगे, वहाँ AB केबल का भी बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, कवर वाला जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या है, एरियल बर्न्स्ट केबल बोलते हैं, ABC केबल, ठीक है। चलिए, एरियल बर्न्स्ट केबल आपका सिंगल फेस में भी है और आपका थ्री फेज में भी है। अगर आपका सिंगल फेस में AB केबल है या एरियल बर्न्स्ट केबल है, तो वो उसका साइज़ कितना होगा, 16 square mm का। अगर थ्री फेज का है तो आपका 25 का, 35 का, 50 का और 70 स्क्वायर एम का आता है, ठीक है। तो ये जो साइज़ दिख रहा है 16, 25, 35, 50, 70, इसका कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, LT लाइन में, मतलब 230 और 440 लाइन में एरियल बर्न्स्ट केबल का यूज़ करते हैं, जो कि 16 जो होगा आपका सिंगल फेस का होगा और 25, 35, 50, 70 स्क्वायर एम वाला ये थ्री फेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका AB केबल है, मैंने इसे फैला दिया है। ये देखिए इसमें क्या होता है, तीन फेज़ का होता है, 1, 2, 3, ये RYB है ना। तो सबसे जो ज़्यादा मोटा वाला होगा, जिसकी डाया सबसे ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, आपका फेस वाला होगा, तीन फेज़ का आप देख लोगे, 1, 2, 3। उसके बाद जो सबसे कम डाया का होगा, सबसे पतला होगा, वो क्या होता है, स्ट्रीट लाइट के लिए होता है। इन फ्यूचर कभी भी स्ट्रीट लाइट की अगर लगता है तो इसका इनपुट यहाँ से लिया जा सकता है, तो इसलिए एक स्ट्रीट लाइट के लिए छोड़ा जाता है। और ये आपका ये क्या है, न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, या आप मैसेंजर वायर भी बोल सकते हैं, मैसेंजर वायर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसका साइज़ के बारे में, देखेंगे सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो ये आपका अभी हम लोग क्या देखे थे, तीन फेस का होता है, एक स्ट्रीट लाइट का और एक मैसेंजर या न्यूट्रल वायर। हाँ, और एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो आपका फेस का या आपका स्ट्रीट लाइट का जो कंडक्टर होगा, वो कौन सा कंडक्टर होगा, एल्युमिनियम का बना होगा, वो जो कंडक्टर यूज़ होगा वो एल्युमिनियम का होगा। ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका ये दिख रहा होगा, ये कंडक्टर, ये किसी चीज़ का बना होता है, जो आपका फेस वाला होगा और स्ट्रीट वाला होगा वो होगा एल्युमिनियम का, ठीक है। और जो आपका ये न्यूट्रल या मैसेंजर वायर जिसको बोल रहे हैं, वो किस चीज़ का होगा, एल्युमिनियम एलॉय का होगा। एल्युमिनियम के साथ और भी कुछ मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है, तो वो प्योर एल्युमिनियम नहीं होता है, बट ये आपका फेस वाला और आपका स्ट्रीट लाइट, ये आपका एल्युमिनियम का होगा, ये एल्युमिनियम अलॉय का होगा, मैसेंजर या। चलिए, उसके बाद हम लोग इंसुलेशन का देखेंगे कि AB केबल में ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, इस केबल का ये इंसुलेशन है, ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इसका, इस इंसुलेशन का क्या नाम है, AB केबल का जो इंसुलेशन है जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसका नाम क्या है, XLPE नाम है, ठीक है। कोई भी पूछेगा AB केबल का इंसुलेशन, कौन सा इंसुलेशन यूज़ होता है वहाँ, तो क्या बोलना है आपको, XLPE, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन, ठीक है। इतना आप समझ गए कि आपका कितने साइज़ का आता है, सिंगल फेज़ में कौन सा साइज़ का, थ्री फेज़ में कौन सा साइज़ का, ठीक है, और आपके इसका इंसुलेशन का क्या बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे AB केबल का जो साइज़ है, 16, 25, 35, 50 और 70, उसका इंसुलेशन का थिकनेस कितना होगा, थिकनेस, ये आपका इंसुलेशन जो है, आपका ये इंसुलेशन, उसका थिकनेस देखेंगे, 16 square mm का अगर AB केबल है तो आपका उसमें इसका थिकनेस कितना होगा, इस इंसुलेशन का 25 का है तो उसमें इसका थिकनेस कितना होगा। तो अगर आपका 16 का है तो इंसुलेशन का जो थिकनेस होगा, है ना, इंसुलेशन का जो थिकनेस होगा वो 1.2 होगा, और 25 का है तो भी 1.2, 35 का है तो 1.2, बट अगर 50 और 70 का AB केबल आपके पास है तो आपका 1.5 mm का इसका इंसुलेशन का क्या होगा, थिकनेस होगा। और स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, स्ट्रैंड क्या होता है, ये देखिए ये आपका स्ट्रैंड है, आपको 7 स्ट्रैंड दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्ट्रैंड। तो 7 स्ट्रैंड किस में होता है, 25, 35, 50 और 70 वाले AB केबल में क्या होगा, 7 स्ट्रैंड होगा, बट जो सिंगल फेस का जो है 16 square mm का, उसमें स्ट्रैंड कितना होगा, 4 होगा। अगर डाया की बात किया जाए, किसकी डाया, डाया ऑफ कॉम्पैक्टेड कंडक्टर, कॉम्पैक्टेड कंडक्टर किसको बोलते हैं, ये देखिए जो एक स्ट्रैंड है, इसको एक स्ट्रैंड को बोलते हैं कॉम्पैक्टेड कंडक्टर, ये सारे एक दूसरे से जो कंडक्टर है, 7 स्ट्रैंड जो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट है,
तो एक स्ट्रेन का अगर डाया देखा जाए कॉम्पैक्टेड कंडक्टर, तो उसका अगर 16 वाला है, 16 स्क्वायर एमएम का है, तो 4.4 होगा डाया उसका, ठीक है। अगर 25 का है तो 5.4, अगर 35 का है तो 6.8, अगर 50 का है तो 7.9, अगर 70 का है तो 9.4। तो उम्मीद है दोस्तों अभी आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि एबी केबल का साइज़ क्या होता है, कौन कौन सा साइज़ का आता है, सिंगल फेस में कौन सा और थ्री फेस में कौन सा, उसका इंसुलेशन का थिकनेस देख लिया होगा, कौन सा इंसुलेशन यूज़ होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको उम्मीद है दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बताऊँगा वो आपका एबी केबल का एसेसरीज, जो एबी केबल जो हम लोग स्ट्रिंग करेंगे जो खींचेंगे तो उसमें हमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे वो सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपका एबी केबल के बारे में ये सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं एबी केबल के बारे में बताया था, नेक्स्ट वीडियो में जो यूज़ होंगे उसमें एसेसरीज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, अगर इसे आप दबाते हो तो जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे, गुड लक।